पीएम मोदी आज केदारनाथ दौरे पर, केदारनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का किया अनावरण। सीएम योगी का आज आजमगढ़ दौरा, गृह मंत्री के कार्यक्रमों की तैयारियों के लेंगे जायजा, 13 नवंबर को होगा शाह का दौरा। पंजाब सरकार का दीपावली किट, 200 से ज्यादा लाभार्थियों को दिया गया घर, लोगों में खुशी का माहौल। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ी हवा की सेहत, कई जगह 999 पहुंचे एक्यूआई, गंभीर हुई स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन यानी कि आज मनाई जा रही है। इस दिन को देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और कामधेनु गाय की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए बताते हैं आपको गोवर्धन पूजा की कुछ बातें, साथ ही साथ किस तरह से कामधेनु गाय लगातार परिक्रमा करती है भगवान श्री राम के, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। अयोध्या में एक गाय सालों से करती है रामलला की परिक्रमा। भक्ति देख लोगों ने गाय का नाम रखा सरयू। कैसा भी मौसम हो, सरयू की नहीं बदलती दिनचर्या। सरयू की माता का भी है अनोखा किस्सा। कहते हैं अगर भगवान से मिलने की चाह हो तो राह मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ रामनगरी अयोध्या में, जहां 20 सालों से रामलला की आराधना कर रही सरयू नाम की गाय को आखिरकार उनके दर्शन मिल ही गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने खुद गाय को रामलला के दरबार में ले जाकर उनके दर्शन कराए। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर के बगल में बने पौराणिक सीता जी के मंदिर रंग महल में रहने वाली गाय सरयू से अयोध्या वासी बखूबी परिचित हैं। पिछले 20 सालों से हर रोज गाय शाम 4 बजे रामलला की परिक्रमा करती है। जब परिक्रमा पूरी हो जाती है तो गाय रामलला की तरफ सर झुकाकर कुछ यूं खड़ी होती है, मानो रामलला को प्रणाम कर रही है। पिछले 20 सालों से गाय की दिनचर्या में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही वो इस स्थान को छोड़कर कहीं गई। गाय के भक्ति भाव को देखकर ही उसे स्थानीय लोगों ने उसका नामकरण सरयू नदी के नाम पर कर दिया। कैसा भी मौसम हो, सरयू की नहीं बदलती दिनचर्या। इस गाय की भगवान राम में ऐसी आस्था है कि कैसा भी मौसम हो, ये नियमित राम भक्ति की अपनी दिनचर्या नहीं भूलती और वो ऐसा कई सालों से कर रही है। लोग बताते हैं कि सरयू गाय ने जब रामलला की परिक्रमा का क्रम शुरू किया तो लोगों ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने गौर किया तो देखा कि सरयू नियमित रूप से एक निश्चित समय के आसपास रामलला की परिक्रमा करती है और ये क्रम रोज ही होता है। इसके बाद रामलला की परिक्रमा में सरयू को कोई बाधा नहीं आए, इसकी व्यवस्था लोगों ने कर दी। सरयू की माता का अनोखा किस्सा। रामलला में सरयू की भक्ति का श्रेय उसकी माता को जाता है, जिसका नाम श्यामा था। श्यामा गाय के विषय में कहा जाता है कि ये भी भगवान की भक्त थी। श्यामा गाय एकादशी के दिन व्रत रखती थी। मंदिर में रहने वाले संतों ने जब गौर किया तो उन्हें पता चला कि श्यामा एकादशी के दिन कोई आहार नहीं लेती है। इसके बाद संतों ने ये व्यवस्था कर दी कि एकादशी के दिन श्यामा गाय को फलहार मिले। श्यामा गाय ने अपनी मृत्यु के समय तक एकादशी व्रत का पालन किया। रंग महल मंदिर में रहने वाले संतों का कहना है कि एकादशी व्रत के पुण्य से ही श्यामा गाय ने सरयू को जन्म दिया। हालांकि सरयू गाय के बारे में एक रहस्य ये भी है कि ये गाय कामधेनु गाय की वंशज है और कहा जाता है कि कामधेनु गाय की हर एक पीढ़ी में एक गाय ऐसी होती है जो परिक्रमा करती है और इस पीढ़ी की वो गाय सरयू गाय है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद उन्हें जब अस्थायी भवन में विराजमान किया गया तब सरयू नाम की राम भक्त गाय को भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिल गया। रामलला के स्थान पर भोग लगाकर गाय को प्रसाद भी खिलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। यहां उन्होंने पहले केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया। बता दें कि केदारनाथ में शंकराचार्य की 12 फुट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही पीएम मोदी ने शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण किया, जो कि 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। चार तस्वीरें आपके सामने। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पीएम का केदारनाथ मंदिर में आगमन हुआ और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है और देश भर को संबोधित करते हुए वो नजर आए हैं। एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। एक बार फिर से केदारनाथ पुरी का कायाकल्प होने जा रहा है और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं, पहले यहां आगमन हुआ, पूजा अर्चना की, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया, उसके बाद उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात दे दी गई है। जी बिल्कुल, पीएम मोदी जिस तरीके से कहा जा सकता है केदारनाथ धाम उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और जब से ही 2013 आपदा के बाद से ही देखा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया था और ये कहा था कि इन सभी को विकसित करने का केदारपुरी को बताने की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और पहले से बेहतर तरीके से केदारपुरी को बताया जाएगा। उसी कार्यकाल के दौरान लगातार पीएम नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ धाम पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की और आज एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ धाम में अपनी पूजा अर्चना की और उसके बाद आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति थी उसका जो लोकार्पण है वो पीएम मोदी द्वारा किया गया। हालांकि 2013 की जो भीषण आपदा थी उस समय जो शंकराचार्य की जो मूर्ति थी समाधि स्थल था पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसको बनाने का काम राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा था और कार्यदायी संस्था जल्दी से जल्दी इसको बनाने की कोशिश कर रही थी। ये देखा गया था कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए बिल्कुल सुभाष, और आज पांचवी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, यहां पर पूजा अर्चना की बड़ी सौगात दी है क्योंकि 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि केदारपुरी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से बड़ी सौगात दे चुके हैं। इसके अलावा सुभाष, देखा जाए तो जल्द ही केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और उसके बाद क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदार धाम में ही रुकेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तय समय का कार्यक्रम है तो जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो आज दिल्ली के लिए लौटेंगे, लेकिन उनके महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था उसके साथ धाम के वो दर्शन करना चाहते थे और आचार्य जो शंकराचार्य हैं उनकी जो मूर्ति है उसका अनिवार्य करने के लिए वहां पहुंचे थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद जो उन्होंने संबोधन दिया लोगों के लिए, तीन पुरोहितों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश के जो विकास कार्य है और जो सरकार के जो विकास कार्य है उत्तराखंड के लिए वो गिनाते हुए नजर आए, खासतौर से ऑल वेदर रोड जो की चार धाम यात्रा मार्गों को जोड़ती है उसका कहीं ना कहीं उल्लेख करते हुए नजर आए कि इससे जो श्रद्धालु है उनको कहीं ना कहीं अब आसक्ति हो गई है चार धाम यात्रा जाने में। उसके साथ ही दिल्ली से देहरादून का जो हाईवे है उससे कहीं ना कहीं समय कम लगेगा, एक बात करते हुए नजर आए होम स्टे पहाड़ों में विकसित हुए हैं उसकी मुख्य वजह ये रहेगी ऑल वेदर रोड बनने के बाद लोगों को रोजगार मिला है, ये बात करते लोग नजर आए। बिल्कुल सुभाष, और आज जो जिन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है इससे केदारनाथ धाम को तो काफी ज्यादा राहत मिलेगी ही, इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं उन्हें कितनी राहत मिलने की उम्मीद है और आम जनता जो वहां पर मौजूद है उनका क्या कहना है? जो तीर्थ पुरोहित है वो बेहद नाराज चल रहे थे देवस्थानम बोर्ड को लेकर, क्या उनमें नाराजगी अभी भी है या वो नाराजगी खत्म हो गई है? ये नाराजगी अभी जारी है कि पुरोहितों की, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना देवस्थानम बोर्ड है उसे बंद करने की वो मांग कर रहे हैं और कोशिश उनके अभी भी यही है कि देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द बंद किया जाए, ऐसा उनका राज्य सरकार से अपील है, लगातार वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से उन क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, सड़क की दृष्टि से हो, पैदल मार्ग की दृष्टि से हो, या फिर केदारपुरी को बसाने की दृष्टि से हो, तो कहा जा सकता है उससे कहीं ना कहीं केदारपुरी के जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि देखा गया पिछली बार जब पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे तो उन्होंने एक मोदी गुफा जिसमें लगातार जो लोग जाना पसंद नहीं करते थे उस गुफा में वो एक रात्रि रुके थे और उसके बाद से ही उस गुफाओं में लगातार जो पर्यटक हैं वो रुक रहे हैं, उसकी बुकिंग काफी लंबे समय तक के लिए की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा विकसित केदारनाथ होता हुआ नजर आ रहा है और उसकी मुख्य वजह ये भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी
लगातार केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ जो नई चीजें हैं उनको विकसित करने की कोशिश वो केदारपुरी में करते हुए नजर आते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, उसके बाद करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ पुरी को एक बार फिर से उसका जो स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आएगा, उसका सौंदर्यकरण और ज़्यादा बदलेगा। इसके अलावा जो क्षति पहुँची थी केदारनाथ धाम को 2013 की आपदा में, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा अब सही होती हुई, खूबसूरत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिस पर काम काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन पर कितनी तेज़ी के साथ काम होगा इसको लेकर तमाम तैयारियां की हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड वासियों के साथ साथ देश को भी संबोधित किया है। तो चार तस्वीरें आपके सामने, केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम का केदार मंदिर आगमन होता हुआ, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो आसपास के लोग थे वो पहुंचे हुए थे और बेहद खुश नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ आएंगे, वो गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हेलीपैड के निर्माण, बैरिकेडिंग, स्विस कॉटेज तथा बैठक के लिए कैंप कार्यालय की स्थापना की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में ही जुटा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमबान में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पूरा प्रशासनिक अमला उनके आने की तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है। उनके आने से पूर्व मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बेचैन हो सकते हैं। तो शुक्रवार को उनका हेलीकॉप्टर सीधे आजमबान स्थित कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर उतरेगा। सीएम के आगमन के मद्देनजर डीएम राजेश कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों का अवकाश निरस्त कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं और आज वो गृहमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। और कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेते लेते उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि पूरी तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है और चुनावी माहौल के साथ साथ चुनावी बिगुल गृहमंत्री अमित शाह फूंक चुके हैं और उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे। तो आजमगढ़ को एक खास सौगात गृहमंत्री अमित शाह दे सकते हैं, इसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा यहां से चुनावी बिगुल फूका जाएगा, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं आजमगढ़ में काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। तो पुरजोर कोशिश है आजमगढ़ की जनता को साधने की और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे तो जनता को एक खास संबोधन भी देते हुए नजर आ सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में वो आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर भी वो जायजा लेंगे, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में आजमगढ़ पहुंचेंगे। तो त्योहारी सीजन के बाद एक बार फिर से जो चुनावी आगाज है वो कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूबी, आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जो समझ दिया गया था कि लगभग 12 के अंतराल में पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ आजमगढ़। हालांकि कई प्रोग्राम उनके वहाँ पे बताए जा रहे हैं और वो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचेंगे और कई योजनाएं हैं जिनका जो अधूरे रह के योजनाएं पड़ी थी उनको वो पूरा करेंगे। और कुछ बैठकें हैं खासतौर से बीजेपी के जो उनके वहाँ पे कार्यकर्ता हैं और उन लोगों के साथ वो एक बैठक करना चाह रहे थे। उनका पहले से ही प्लान बना हुआ था लेकिन बाद में ये कैंसिल कर दिया गया था और आज ठीक दिवाली के दूसरे दिन की बात यहाँ पे आज का ये दौरा लगाया गया है। और निश्चित तौर पे ये एक चुनावी रणनीति भी मानी जा रही है क्योंकि आजमगढ़ सपा का केंद्र माना जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ से अपने शादो भी सांसद है। और आज की डेट में अब योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेगा और
बिल्कुल रूबी, अक्सर हमने देखा है कि आजमगढ़ कहीं ना कहीं सपा यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत रही है हमेशा से ही, तो ऐसे में इसके लिए को भेदने को लेकर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, और ऐसे में आम जनता को क्या खास सौगात मिल सकती है कि जो वहां की जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का रुख करती हुई नजर आए। देखिए काजोल, जो चुनावी रणनीति होती है वो निश्चित तौर पे कॉपी जरूर होती है, क्योंकि अभी पहला उसका जो मुद्दा था वो रामलला को लेके चल रहा था, लेकिन अब जो विकास का मुद्दा है फिर उसके बाद अब इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाए हैं, और अब जो राशन प्रणाली होती है उसके तहत भी उन्होंने कुछ रेट घटाए हैं, तो कहा जा सकता है कि अब जो भेदने की शंका जो जताई जा रही है आजमगढ़ के ही उनके क्षेत्र में जाके उसकी ही जनता को लुभाने का जो वायदे हैं वो जरूर किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं विकसित क्षेत्र जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि तो आजमगढ़ खास तौर से देखा यही जाता है अभी तक उतना विकसित नहीं है जहाँ की जितना होना चाहिए था। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि विकास की बातें जरूर हो सकती है इस क्षेत्र को, यानी रूबी विकास के नाम पर भी यहाँ आजमगढ़ में वोट मांगे जाएंगे, जिस तरह से बीजेपी चली आ रही है विकास के नाम पर वही सेम फॉर्मूला जो है वो आजमगढ़ में भी अपनाया जाएगा। बिल्कुल राजू, कह सकते हैं, क्योंकि अभी आजमगढ़ में जब मैं भी गई हूँ तो मैंने भी कई बार ऐसे नोटिस किया है कि यहाँ पे सपा का जरूर यहाँ पे दमखम रहा है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो उतना नहीं दिखा, सड़कें के जो हालत है वो बदहाल है, खासतौर से अगर जहाँ पे जो लोग रहते हैं पॉश एरिया जिसको गिना जाता है उन सभी की हालत अगर बस से बदतरी देखने को मिले, तो ये मुद्दा जरूर बनाएंगे बीजेपी, और कहीं ना कहीं ये अहम मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि विकास की बात पहले भी बीजेपी करते चली आ रही है और इस बार आजमगढ़ में विकसित होने के लिए बात जरूर करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया रूबी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ आ रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद वो आजमगढ़ पहुंच जाएंगे, गृहमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, और इसके अलावा कहीं ना कहीं एक बार फिर से चुनावी बुगुल जो है वो फूंका जाएगा, क्योंकि आजमगढ़ जो है वो सपा का कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है। दिवाली के शुभ मौके पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहिब में बसेरा स्कीम अधीन झुकी झोपड़ियों में जीवन बसर कर रहे करीब 200 से ज़्यादा लाभार्थियों को अस्थायी आवास के पक्के मालिकाना हक दिए हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने खुद इंदिरा कॉलोनी के कुछ गरीब लोगों के घरों में जाकर दीप जलाए और उनको घरों के मालिकाना अधिकारों की सनद भी सौंपी है। इसके बाद बाकी लोगों को सिटी सेंटर में कराए गए समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने इंदिरा कॉलोनी के निवासियों को घरों के मालिकाना अधिकारों की सनद दी। यहां मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की जमीन पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते परिवारों को मालिकाना अधिकार देने की बसेरा स्कीम के द्वारा जरूरतमंद लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा हो रहा है। तो पंजाब सरकार ने दीपावली पर कुछ लोगों को अनोखा गिफ्ट दिया है, और ये गिफ्ट जो है करीब 260 लाभार्थियों को दिया गया है। झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे उनको उनका खुद का घर दिया गया, उनका मालिकाना हक दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराशा जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम को नाकाफी बताया। गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी के साथ राज्य द्वारा लगाया गया वैट स्वचालित रूप से उसी अनुपात में कम हो गया है। हम मांग करते हैं कि केंद्र को मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क को और कम करना चाहिए। सीएम गहलोत ने ट्वीट के साथ एक पत्र भी साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पेट्रोल पर 5 रुपए तो डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम किया गया। इससे राज्य में पेट्रोल में 1.8 और डीजल में 2.6 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। राज्य को इस फैसले से 1800 करोड़ की प्रतिवर्षा हानि होगी, और उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य में पेट्रोल 6.8 रुपए प्रति लीटर और डीजल 12.6 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। आगे उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि राज्य के प्रत्येक जिलों में जिला प्रशासन, ऑयल कंपनियों और पेट्रोल पंपों के सहयोग से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दरों में कमी का सीधा लाभ आमजन को मिल सके। तो केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कमी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम राज्य ऐसे हैं जो लगातार केंद्र सरकार पर
उंगली उठा रहे हैं, खासकर के जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही एक्साइज ड्यूटी कम की हो लेकिन राज्य पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्पाद शुल्क में और कमी सरकार को करनी चाहिए, लेकिन जो राजनीति है वो इसमें भी बखूबी देखी जा सकती है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो अब बीजेपी भी लगातार कांग्रेस शासित राज्य जो हैं जहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतना जो इजाफा बढ़ रहा था उसमें कमी नहीं की गई है, तो इसको लेकर बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।